आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली बैद्यनाथ कंपनी की तरफ से आने वाले मकर ध्वज वटी के बारे में बात करेंगे। यह एक हर्बल प्रोडक्ट है, मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो हमारे इस चैनल पर अब आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ और मतलब रिव्यू वगैरह देखने को मिलता रहेगा और डिसीजन ट्रीटमेंट के बारे में भी बात की जाएगी। तो यहाँ देखिए लिखा गया बेसिकली जो मकर ध्वज वटी होता है बैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाया जाता है, इस तरह की पैकेजिंग में आता है। बहुत सिंपल वे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चा बच्चा भी समझ जाए। थोड़ा सा आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना जो है हम आपको कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी जो है घटनाएं घटी हमारे साथ कि जो है चैनल बंद होने वाला था, वीडियो डिलीट हो चुकी, लेकिन फिर भी जो है चल रही है तो चलाते हैं क्योंकि आपसे वादा किए हैं हर वीडियो देने का, तो हर एक वीडियो आपको जो है डिलीवर करवाएँगे। हमारे चैनल पर 400 से ऊपर वीडियोज अपलोड हो चुकी थी। खैर कोई बात नहीं, अब की बार 500 से ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे, मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही जल्द जो है 400 वीडियो हम जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ देखिए दिखा गया यूजेस, ये जो यूजेस है ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। जैसे कि लिंग में अगर ढीलापन रहता है वहाँ जो है मकर ध्वज वटी का प्रयोग करते हैं, स्पर्म काउंट की कमी है, शीघ्र पतन है, बीपी और शुगर को ये जो है मेंटेन करता है, कमजोरी वगैरह में भी जो है मकर ध्वज वटी चलाया जाता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी अच्छा है। हम जो है खुद जो है इसको यूज कर चुके हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है प्रिकॉशन, मतलब कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होती हैं मकर ध्वज वटी लेने से पहले। कुछ नहीं है, छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, वरना जो है छोटे बच्चे पाएंगे तो पूरी डिब्बे खा लेंगे तो उनको नुकसान कर सकता है। ओके, हाई बीपी नहीं देना है। एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी को है, कभी लिया है मकर ध्वज वटी और उसको एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दिया है, तब आप उसको जो है भविष्य में कभी नहीं देंगे। यहाँ देखिए हाई बीपी में नहीं देना, मतलब ये जो है बीपी वगैरह को इंक्रीज कर सकता है, तो जिसकी ऑलरेडी बीपी इंक्रीज है उसको आप नहीं देंगे वरना जो है नुकसान करेगा। बात कर लेते हैं डोज की, कितनी मात्रा में देना होता है। एक टेबलेट या फिर दो टेबलेट देना होता है। कंडीशन के आधार पर खाना खाने के आधा घंटे बाद एक महीने तक दे सकते हैं। इससे जो लिंग में ढीलापन वगैरह था, इरेक्शन की प्रॉब्लम थी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, शीघ्र पतन था, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि आयुर्वेदिक है तो आराम तो मिलेगा ही। कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।